नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, अपन बात करते हैं जब सिर दर्द की, तो सिर दर्द बहुत तरीके का होता है, जैसे साइनस की वजह से हो रहा हो, टेंशन की वजह से हो रहा हो, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन या बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया हो, एलर्जी की वजह से भी सर दर्द हो सकता है, एक क्लस्टर टाइप का सर दर्द होता है और एक माइग्रेन का सिर दर्द होता है। यहाँ पे जब माइग्रेन की बात आती है तो दोस्तों, माइग्रेन में एक तरफ सर दर्द होता है, वो एक तरफ सर दर्द की वजह से, जिसको अपन पल्सेटाइल पेन भी बोलते हैं, जिसको पेशेंट को क्या होता है, लाइट और तेज आवाज होती है, बहुत गंदी लगती है, और बहुत ज्यादा सर दर्द की होने की वजह से पेशेंट को उल्टी और नोजिया जैसी शिकायत भी होने लग जाती है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में कौन सी दवाई दी जाती है, वो दवाई का नाम है दोस्तों नेप्रोक्सेन। ये नेप्रोक्सेन के बारे में मैं आज आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि ये और कौन-कौन सी बीमारी में काम आती है, जैसे कि ये किस तरह से हमारी बॉडी में काम करती है, और इसकी कौन-कौन से साइड इफेक्ट है जिनसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी इसके साथ दवाई और दी जाती है, इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए, और इसकी डोज के साथ में इसकी कौन-कौन सी ब्रांड्स आती है जो पॉपुलर ब्रांड है और जिसकी सस्ती मिलती है, और उसके साथ में कौन सी सावधानियां होन रखनी चाहिए आप लोगों को, और लास्ट में कहूंगा कि मन में कुछ कंफ्यूजन होते हैं कि इसकी दवाई के साथ कि लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, कि कौन से लोगों को दिक्कत होती है, किस तरह से दिक्कत होती है, वो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारे के सारे कंफ्यूजन है वो सारे मैं आपको दूर करने वाला हूँ। तो हम एक एक वन बाय वन आपके साथ चलेंगे दोस्तों। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे जरूर बात शेयर करना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले, ताकि मैं जब भी आपको नया वीडियो डालूं इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए, आपको दवाइयों के बारे में, घरेलू नुस्खों के बारे में कंप्लीट नॉलेज देता रहता हूं दोस्तों, तो कंटिन्यूअस आपको अपडेट करता रहूंगा। हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, किस बीमारी में ये काम आती है, मतलब देखिएगा, हालांकि बताया था मैंने माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करती है, माइग्रेन में सरदर्द जो होता है वो सरदर्द के हिसाब से भी दवाई दी जाती है, मतलब कितना स्ट्रोंग माइग्रेन है उसी के अकॉर्डिंग इस दवाई को यूज किया जाता है, दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी आपको लेनी चाहिए। दोस्तों, माइग्रेन के अलावा भी ये बहुत अच्छा यूज होता है, जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसको यूज करते हैं, सरदर्द दूसरे टाइप का हो उसमें भी उसको यूज किया जाता है, ओंकुलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी होती है जहां पे इस जगह दर्द होने लग जाता है वहां पर भी उसको यूज किया जाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है वहां यूज किया जाता है, दांतों में दर्द हो जाता है वो उस टाइम यूज किया जाता है, बुखार की वजह से दर्द होता है या कमर दर्द हो रहा हो उस टाइम भी यूज किया जाता है, वो एक ओस्टियो आर्थराइटिस टाइप की बीमारी हो जाती है जो जोड़ों में क्या होता है सूजन टाइप की आ जाती है, इसमें भी इसको यूज किया जाता है। इस तरह से बहुत तरह के जो सर दर्द होते हैं वो, या बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो उस जगह पे इसको यूज किया जाता है। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि नेप्रोक्सेन हमारी बॉडी में किस तरह से काम करती है। दोस्तों, बात करते हैं जब सर दर्द और सूजन की, तब हमारी बॉडी में कुछ इस तरह के केमिकल बन जाते हैं जिनकी वजह से सर दर्द और सूजन आ जाती है। नेप्रोक्सेन इन केमिकल्स को क्या करता है, खत्म कर देता है, उनकी कंसंट्रेशन कम कर देता है, जिसकी वजह से पेन और इन्फ्लामेशन मतलब सूजन में हमें बहुत रिलीफ मिल जाता है, इस तरह से बॉडी में जाके काम करती है। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की, तो साइड इफेक्ट जब बात आती है तो ये छाती में जलन मतलब एसिडिटी टाइप की शिकायत कर देती है, पेट दर्द मतलब एब्डोमिनल पेन या कब्ज जैसी शिकायत कर देती है, स्किन रैशेस कर देती है, या नोजिया वोमिटिंग जैसी शिकायत हो सकती है। मैं यहाँ पे आपसे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आपको यदि ये साइड इफेक्ट बहुत नॉर्मल लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दवाई कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये साइड इफेक्ट मेरे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन से आपको फायदा होगा। दोस्तों, डॉक्टर आपको इमीडिएटली अलर्ट के हिसाब से क्या होगा, वो ट्रीटमेंट देगा, वो दवाई को चेंज कर सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। दोस्तों, इसके साथ कौन सी और दवाई दी जाती है, तो दवाई की बात करते हैं तो ध्यान देना, एक डोमपेरिडोन नाम की दवा आती है जो बहुत अच्छा काम करती है, हमारे ब्रेन में क्या करता है, वोमिटिंग को कंट्रोल करने की एक सेंटर होता है, उस जगह पे ये काम करता है, जिससे क्या करता है, या इस नेप्रोक्सिन से उल्टी होती है, नौजिया जैसी शिकायत होती है, तो उसमें इसका यूज होता है, मतलब इसको लेने के साथ में नौजिया और वोमिटिंग जैसी शिकायत नहीं होती तो ये फायदेमंद होता है, मतलब इसकी वजह से हमें साइड इफेक्ट कम होता है।
दोस्तों अब अपन बात करते हैं डोज की। डोज की बात आती है तो डोज से मैं बात करूंगा दोस्तों, हमेशा मरीज की उम्र के हिसाब से, मरीज का वजन कितना है, कौन सी बीमारी है, उसकी कितनी सीवियरिटी है, उसके साथ में कौन सी और दूसरी बीमारी है, उसके आधार पे डॉक्टर डिसाइड करता है कि डोज आपको कितनी लेनी चाहिए। जैसा कि 250 से 500 mg ली जाती है दिन में 2 बार। ये 250 mg मतलब आपको सर दर्द, माइग्रेन का दर्द बहुत कम हुआ है, या 500 mg मतलब आपको ज्यादा है। उसी तरह से 750 mg से लेके 1000 mg दिन में 1 बार के ली जा सकती है। उस टाइम पे ध्यान देना कि मतलब आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कितना स्ट्रोंग है, ऑस्टियो आर्थराइटिस कितना स्ट्रोंग है, कहने का मतलब किस तरह का आपका पेन है, उसकी सीवियरिटी कितनी, उसी बेसिस पे दोस्तों इसकी डोज डिसाइड करते हैं। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही आपको दवाई लेनी है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कौन सी ब्रांड्स आती है, जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं। जब भी अपन ब्रांड्स की बात आती है तो सबसे पहले नेप्रोसिन का नाम आता है, जो 250 mg में भी आता है, 500 mg में आता है। उसी तरीके से सस्टेन रिलीज फॉर्म में भी आता है, जो 750 mg। सस्टेन रिलीज का मतलब होता है कि बहुत ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बड़ा होगा, लंबा होगा। उसी तरीके से दोस्तों ये नेप्रोक्सिन को, जैसे मैंने बताया, डोमपेरिडोन के साथ में भी लिया जाता है, जिसको नेप्रोसिन D500 के नाम से आता है, मतलब इसमें नेप्रोक्सिन के साथ में डोमपेरिडोन है, तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है। उसी तरह से दोस्तों दूसरा आता है डोमपेरिडोन नेप्रोक्सिन का नेक्सडोम 500। उसी तरह से जीरो ग्रेन प्लस न्यू, इस तरह से कहें दोस्तों, कहने का मतलब ये ब्रांड साथ ही। दूसरा आता है नेप्रा D250 और मैक प्रोक्स DP250। इस तरह से दोस्तों ये ब्रांड्स हो गई। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इसकी सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए। तो सावधानी की बात करूंगा तो हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी चाहिए। जनरली इस दवाई को आपको खाना खाने के बाद में लेना चाहिए, ताकि आपको एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम नहीं हो। जो दवाई है उस दवाई को आपको फोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, ऐसा दवाई लेनी है। साथ में बात करूंगा जब आप शराब ना पिए, क्योंकि इस दवाई के साथ इंट्रेक्शन होता है। गर्भवती महिलाओं को इस दवाई को नहीं लेना चाहिए, यदि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी लेना चाहिए। जनरली इस दवाई को गर्भवती महिलाएं और बच्चे की माँ इसको नहीं लेना चाहिए। यदि आपको स्किन रैशेज है या इसे एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। यदि आपको दूसरी किडनी और लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को बताना होगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है लीवर से रिलेटेड और किडनी से रिलेटेड। उस टाइम डॉक्टर आपको उसी के अकॉर्डिंग डोज और दूसरी दवाई भी लिख सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली चाहिए। अब मैं और बात करूंगा और कौन कौन से कंफ्यूजन हो सकते हैं आपके मन में, तो मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। तो जैसा कि नेप्रोक्सिन को लेना सुरक्षित है क्या, बिल्कुल सुरक्षित है दोस्तों। यदि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और जितने दिन तक डोज लिखी हुई है आपको पूरी डोज लेनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये साइनस के इंफेक्शन में फायदा करेगा क्या, बिल्कुल फायदा करेगा, क्योंकि साइनस के इंफेक्शन में दर्द और सूजन भी होती है। दर्द और सूजन को नेप्रोक्सिन कम कर देगा, लेकिन यहाँ पे साइनस के इंफेक्शन में को खत्म करने के लिए डॉक्टर जनरली एंटीबायोटिक लिखता है, तो आपको वो एंटीबायोटिक जरूर लेनी चाहिए ताकि आपका इंफेक्शन पूरा का पूरा ट्रीट हो जाए दोस्तों। अब अपन बात करते हैं थर्ड कंफ्यूजन की कि क्या ये दवा ब्लड को पतला करती है कि बिल्कुल नहीं करती। दोस्तों ये दवा पेन किलर वाली कैटेगरी की है। दवा पतला करने की दवाइयां दूसरी होती है जो जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। उसी तरह से दोस्तों कंफ्यूजन नंबर 4 कहूंगा, इस दवा को आइबुप्रोफेन के साथ ले सकते हैं क्या। दोस्तों जनरली दो पेन किलर एक साथ डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है, आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। दोनों एक ही कैटेगरी की है, दोनों में से एक ही दवाई लेनी होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसी तरह से दोस्तों कंफ्यूजन नंबर 5 हो सकता है कि क्या गर्भवती महिलाएं आपको ले सकती है क्या, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए दोस्तों। गर्भ धारण करने के लिए जो सोच रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि ये गर्भ धारण में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गर्भ धारण करते टाइम या गर्भवती आप हैं तो आपको नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। बात आती है नेक्स्ट कंफ्यूजन की कि क्या ये दवा महामारी की समय जो दर्द होने वाला है उसमें ले सकते
सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों, ये पेन किलर है जो दर्द को ठीक करती है और महामारी में जो दर्द होता है उसको ये बहुत अच्छा ट्रीट करती है। उसी तरह से कंफ्यूजन नंबर 7 आता है कि दोस्तों ये दवा कब्ज करती है क्या? हाँ दोस्तों ये दवा कब्ज कर सकती है, हालांकि ये इसका जो साइड इफेक्ट है बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं होता, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये कब्ज कर सकती है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंफ्यूजन नंबर 8 की, क्या ये दवा ब्लड प्रेशर बढ़ाती है क्या? हाँ दोस्तों ये दवा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, कुछ पेशेंट्स में इसके स्टडी के तौर पे पता लगा है। तो यहाँ पे आपको यदि कुछ ऐसी सिचुएशन है, यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्राइब करता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को बताना है कि मेरे ब्लड प्रेशर की दवाई भी चलती है, तो आपको दवाई उसी के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। दोस्तों कंफ्यूजन नंबर 9 की बात करूँ क्या, इस दवा को लेने से नशे की जैसी आदत पड़ सकती है क्या? दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है, ये ड्रग जो ये दवाई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी कैटेगरी की है, नार्कोटिक दवाई नहीं है। तो नार्कोटिक दवाइयों से आदत हो जाती है, लत पड़ जाती है, इस दवाई से लत नहीं पड़ती, मतलब एडिक्टिव नहीं है। दोस्तों कंफ्यूजन नंबर 10 की, इस दवा लेने से कितने दिन तक ठीक होता है? दोस्तों जनरली आपको जो बीमारी है, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहूँ चाहे और दूसरा डेंटल पेन कहूँ, डिपेंड करता है, या माइग्रेन का जो आपको है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जितने दिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतने दिन पूरी डोज लेंगे तो आपको अच्छा आराम मिलेगा, और डॉक्टर की सलाह से आपको स्टॉप करनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से आपको इस दवा को चालू करनी चाहिए। दोस्तों ये नेप्रोक्सन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको कौन सी दवा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और कौन सी बीमारी का आपको घरेलू उपचार चाहिए उस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, उसी के पे आपको लिए वीडियो बनाऊँ। दोस्तों हमेशा मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, दवा जब भी लेंगे डॉक्टर की सलाह से लेंगे, और एक बात और, जब भी दवा खरीदेंगे फार्मासिस्ट से ही लेंगे, फार्मासिस्ट आपको पूरी गाइडेंस देगा उस दवा के बारे में, ताकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके और आप स्वस्थ रह सके। इसी मोटो के साथ मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों, यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें। यदि आपको ये काम सपोर्ट करना है, अच्छा लगा है, तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, थैंक यू वंस अगेन।